इलायची का छिलका निकाल के हम इसको कूट लेंगे। बारीक बादाम है, किशमिश है, छुआरा है, काजू है और चिरौंजी है, पिस्ता है। इन सबको हम 7-8 घंटे के लिए भिगा देंगे। ये बादाम को हमने छील के काट लिया है ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में, और ये किशमिश भीग के ऐसी हो गई है, फूल गई है। ये छुआरा भी भिगो के हमने उसका बीज निकाल के इसको ऐसा लंबा लंबा काट लिया है। ये पिस्ता भी छीलने के बाद हमने इसको ऐसे काट लिया है। और ये चिरौंजी है, ये छीलने के बाद ऐसी हो गई है। ये भीगा हुआ काजू है, इसको भी हमने काट लिया। अब हमने ये दूध उबाल लिया है, इसको 10 मिनट तक और उबालेंगे जिससे दूध थोड़ा थिक हो जाए। और इसी बीच हम मेवा फ्राई करके, सिमर फ्राई करके इसमें धीरे धीरे डालेंगे। अब हमने पैन को गैस पे रख लिया है। अब हम इसमें 3 टेबल स्पून घी डालेंगे, 2 ही काफ़ी है। इसमें धीरे धीरे हम मेवा डालेंगे तो थोड़ा गर्म होने देते हैं। सबसे पहले हम इसमें बादाम डालेंगे। ये हमारे बादाम सिक रहे हैं। इसके बाद हम इसमें काजू डाल देंगे, इन्हें भी थोड़ा हिलाएंगे। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, खाली इनकी खुशबू रहने तक, इनको गोल्डन होने तक ही भूनना है। अब हम इसमें ये छुआरा डाल देंगे कटा हुआ, वो भी हम चलाते रहेंगे, गैस थोड़ा सा तेज करेंगे। देखो इनका रंग बदलता जा रहा है, थोड़ा गोल्डन हो रहा है, ये देखो गोल्डन होने लगा है। अब हम इसमें पिस्ता डाल देंगे, अब हम इसमें ये चिरौंजी डाल देंगे, छिली हुई चिरौंजी। कितनी अच्छी खुशबू आने लगी है ड्राई फ्रूट की। का कलर थोड़ा और अच्छा होने देते जिससे इनकी खुशबू और टेस्ट दोनों बना रहे। बहुत सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है ड्राई फ्रूट भुनने की। अब हम इसमें ये किशमिश डाल देंगे, देखिए इसका कलर गोल्डन होता जा रहा है, बहुत सुंदर। एकदम भूरे रंग का हो जाएगा। अब हम दूध की गैस बंद कर देंगे और सिका हुआ मेवा उसमें डाल देंगे। अभी इसमें डाल दिए मेवा, अब हम सेवई भून के डालेंगे। इतने इसको उबलने देंगे आंच पे। और जो सेवई है ये हम इसमें डाल देंगे। सेवई को हल्का सा ही भूनना है क्योंकि ये भुनी हुई है, खाली खुशबू के लिए इसको थोड़ा हमें भूनना है। इसको चलाते रहना है, रुकना नहीं है। ये बाजार में बिना सिकी हुई भी आती है और सिकी हुई भी आती है, जैसे आपको दिल हो वैसी आप पसंद हो वैसे ले लीजिए। अब ये सिक गई है और इसको हम दूध में डालेंगे। ये दूध उबल रहा है, अब हम इसमें सेवई तैयार है, वो सेवई इसमें डाल देंगे। हाँ, ये भुनी हुई सेवई हमने सब इसमें डाल दी है। अब हम इसको चलाएंगे और 10 मिनट इसको और उबालेंगे। ये देखिए इसका सब कितना अच्छा रंग आ गया है, ड्राई फ्रूट का, सेवई का। अब इसको सेवई के गलने तक हम इसको अच्छा उबालेंगे मीडियम फायर पे। ये बहुत जल्दी बन जाती है वैसे,
ये देखिए इसका कितना अच्छा रंग आ रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी है। अभी इतने में सेवई गल जाएंगी, जैसे ही ये गलेंगी ना इसका टेक्सचर बदल जाएगा, एकदम थिकनेस आ जाएगी दूध में। अब देखिए ये हमारी सेवई तैयार है, बिल्कुल पक गई है अच्छे से। ये देखिए हमारी सेवई एकदम अच्छे से पक गई है। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे। अभी देखिए हमारे बिल्कुल तैयार हो गई है, कंडेंस मिल्क भी डल गया है, रेडी है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, केसर डालेंगे। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि वैसे आप पूछो मत। अब हम इसको सबको चला देंगे। अब ये देखिए एकदम इसका कलर, इसकी खुशबू सब एकदम, अब ये थिक हो गई है, एकदम गाढ़ी क्रीमी हो गई है। कि जैसे जैसे ठंडी होगी और क्रीमी हो जाएगी। अब ये हमारा शीर कुरमा बिल्कुल तैयार है खाने के लिए, बहुत ही लजीज बना है।